All right, so as in the previous to previous video, I have already reviewed this motorcycle, which is right over here, and this is the Pearl Place orange color. वीडियो में जब देखा था तब ये लगा था कि ये कलर रेड होगा, बट इट्स अ ऑरेंज वन. और हेयर इज द कलर ऑफ द न्यू सुजुकी जिक्सर 155. और कुछ इस हिसाब से ये पूरी मोटरसाइकिल है. कम्स इन टू वेरियंट इज अ स्टैंडर्ड एंड द राइट कनेक्ट एडिशन. दिस मोटरसाइकिल इज इक्विप्ड विद द राइट कनेक्ट एडिशन. यहाँ पे राइट कनेक्ट एडिशन की ब्रांडिंग दे के रखी है, बाय विच यू कैन टॉगल योर मोटरसाइकिल इन दी सुजुकी ऐप, जो कि सुजुकी का खुद का ऐप है, जिससे आप ब्लूटूथ कनेक्ट करके अपनी मैसेजेस एंड बैटरीज और जो भी हम लोग का बेसिक नोटिफिकेशन होते हैं, जो कि बेसिक चीज़ें होती है, वो हम लोग अपने मीटर में देख सकेंगे. और इस आपका कुछ कलर है, लेट मी शो यू अ क्विक वॉक अराउंड ऑफ दिस मोटरसाइकिल. मेरे को ज़्यादा रिव्यू करने की इसकी नीड नहीं है. आई हैव ऑलरेडी मेड अ सेपरेट वीडियो ऑफ दिस मोटरसाइकिल. आई बटन में लिंक देखने को मिल जाएगी, इवन इन द डिस्क्रिप्शन टू. और कुछ इस हिसाब की ये पूरी मोटरसाइकिल है. वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, थोड़े बहुत स्पेक्स में और ये बाइक दिखा के ये पूरा रिव्यू हम लोग ओवर कर देंगे. यहाँ पे फ्रंट से कुछ इस हिसाब से है, चीज़ों में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किया गया है, कुछ ही चीज़ें बढ़ाई गई हैं. और फीचर ये ऐड ऑन कर दिया गया कि आपको राइड कनेक्ट एडिशन देखने को मिलेगा. एक जो इनका पूरा फुल रेड कलर आता था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया और ये कलर उतार दिया गया. एक ब्लू कलर भी है, मे बी उसकी भी मैं बहुत जल्द वीडियो बनाऊँ. और बाय द वे एक और फीचर ऐड ऑन किया गया प्राइस का, तो प्राइस प्रीवियस टू न्यू इंक्रीज़ कर दिया गया. प्राइस मैं एट लास्ट आपको पूरा बताऊँगा. और आई कैन सी यहाँ पे जो जिक्सर का ब्रांडिंग दे के रखी है, तो जो एक्स का पूरा ब्रांडिंग है वो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में. और यहाँ पे अंडरबेली में सुजुकी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और यहाँ पे जिक्सर SF की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है. नेकेट वाली की भी जल्दी रिव्यू करने की कोशिश करेंगे. 266 mm एट द फ्रंट एंड रियर इज 240. कम्स इन सिंगल चैनल ABS. ये मोटरसाइकिल जो है सिंगल चैनल ABS में आपको देखने को मिल जाएगी. और यहाँ पे ग्रैबलेस आपको कुछ ऑरेंज कलर में देखने को मिल जाते हैं. पूरा तो ग्लॉसी है, मैट मुझको अभी कहीं पे भी नहीं दिखा. इंस्टेंट ऑफ द टेल टाइडी एंड द हगर टू, वो मैट है, खैर उसको कुछ नहीं कहेंगे. और यहीं पे देखा जाए तो आपको यहीं पे 155 cc का इंजन देखने को मिलता है. 13 HP 30 Nm ऑफ टॉर्क इज राइट ओवर हियर. 12 liters ऑफ टैंक कैपेसिटी. कम्स इन द माइलेज अप्रॉक्स 45 to 50 km तक का माइलेज आपको देखने को मिल जाएगा इन 1 liter. तो काफ़ी सही. एक बार मीटर कंसोल भी हम लोग दिखा देते हैं, फर्स्ट की दिखा देते हैं, तो की कुछ हिसाब की आपको देखने को मिल जाती है, राइट. और दिखा देते हैं, सो इस आपका कुछ मीटर है, तो वही बेसिक मीटर है जो उनकी प्रीवियस में भी चलता आ रहा था. आपको स्पीडोमीटर, यहाँ गियर शिफ्ट इंडिकेटर, टैकोमीटर, टाइम एंड इधर साइड आपकी जितने भी मैसेज एंड कॉल्स के अलर्ट्स हैं वही आपको यहाँ देखने को मिल जाती है. बाकी तो इंस्ट्रूमेंटल कंसोल पूरा बेसिक है. यहाँ पे आपको जब आप बाइक को पेयर करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा पेयरिंग के लिए इधर साइड. तो मैं ज़्यादा इस मोटरसाइकिल के ऊपर बात नहीं करूँगा, थोड़ी वीडियो में मैं पूरा ये वीडियो कवर कर दूँगा. तो इस आपकी कुछ मोटरसाइकिल है. फ्रंट में आपको LED देखने को मिल जाएंगे, फोकस ओके है. बाकी आपको हेलोजन लाइट इधर साइड देखने को मिल जाएगी. और देखा जाए तो जो मोटरसाइकिल है यंगस्टर्स के लिए भी और बिगनर्स के लिए भी काफ़ी सही है. इवन जो काफ़ी एजेड पीपल्स होते हैं उनके लिए भी एक मोटरसाइकिल काफ़ी अच्छी है, जो फेयरिंग यूज़ करना चाहते हैं. और जो हैंडल बार है वो क्लिप ऑन जरूर है, बट एक आपको स्पोर्ट टूरिंग वाला हैंडल आपको इसमें देखने को मिल जाता है. साइड स्टैंड और डबल स्टैंड दोनों ही देखने को मिल जाता है. इंजन कट ऑफ स्विच भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है. 100 सेक्शन एट दी फ्रंट एंड 140 सेक्शन एट दी रियर. 17 इंचेस के टायर साइज आपको देखने को मिल जाता है, विच इज़ ट्यूबलेस एंड द रेडियल 1-2. तो काफ़ी सही है मोटरसाइकिल. और नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट द प्राइस. तो क्या होने वाला है इस मोटरसाइकिल का प्राइस. सो जो इस मोटरसाइकिल का प्राइस है वो आपको 176,000 देखने को मिल जाता है. प्रीवियस टू न्यू 10,000 और इंक्रीज़ किए गए. पहले 166 आपको देखने को मिलता था, अब 176 आपको देखने को मिलता है. तो 10,000 इंक्रीज़ कर दिए गए हैं प्रीवियस टू न्यू. और ये 2023 है. कलर कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो. मैंने जब फोटो में देखा था तब मुझको ये चीज़ लगी थी कि ये रेड होगा, बट दिस इज़ द ऑरेंज वन और हम लोग इसको पल ब्लेज ऑरेंज कहते हैं. तो इस आपका कुछ ये पूरी मोटरसाइकिल आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो. और वीडियो कैसे लगी तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. बाकी हम लोग वीडियो यहाँ से एंड करते हैं. एंड एट लास्ट मैं ये भी बता दूं, जिस शोरूम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है सुजुकी मोटरसाइकिल हाउस, जो कि चुन्नीगंज में है. सारी डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखने को मिल जाएगी. तो यहाँ से हम लोग वीडियो एंड करते हैं. तो साइनिंग आउट फ्रॉम हियर. सो वीडियो चलिए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन राइट एड्रेस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक्स फॉर वाचिंग.